न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर के अफजलपुर तक के यहाँ पर लोग तकलीफ ही तकलीफ में है, क्योंकि यहाँ पर चेंबर इतना फूट के गंदा पानी घरों के पास इतना बह रहा है, रात में बच्चे भी ना सो सकते ना बड़े। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ का मेंबर यहाँ के अल्ताफ इटगी, इनको भी कई बार हमने शिकायत की, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और महानगर पालिके संबंधित अधिकारियों को भी कई बार यहाँ के लोगों ने कहा, कोई कुछ नहीं किए। यहाँ महीना या दो महीना कोई वर्ष नहीं, तीन चार वर्ष से चेंबर फुट के ये गंदा पानी जैसा ही वैसा ही रहता है। यहाँ पर मुसलमान लोग हैं इस गली में, नमाज को जाना मुश्किल हो गया है। इनका ये कहना है कि हमने कहीं बार शिकायत की, यहाँ के चेंबर नहीं बन पा रहे। अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, यहाँ पर एक बच्चे ने बाल बाल बच गया। वो बच्चा खेलता खेलता चला गया और चेंबर में फंस गया था, कोई भी देखा नहीं। अचानक से वो साथ में एक और बच्चा था, वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। फिर उसके दादी ने आकर उसको बचाया। अच्छा हुआ कि ये के बाल बाल वो बच्चा बच गया। अब यहाँ के मुसलमानों का आक्रोश ये है, यहाँ के संबंधित महानगर पालिके अधिकारियों पर और यहाँ के संबंधित जो मेंबर अल्ताफ इटगी, उन पर भी आक्रोश ये है कि यहाँ पर इतने साल हो गए, कहीं वर्ष हो गए, यहाँ पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। रोड भी डांबर करनी ही थी, मगर मन चाहता है जैसा चाहता है वैसा अपने आप खोद चुके और किसी ने इसका व्यवस्था नहीं किया। यहाँ के मुसलमानों का आक्रोश ये है कि जल्द से जल्द ये रोड ठीक हो जाए, हमारे घर के बाल बच्चे सुरक्षित रह जाए। बोलो, क्या तकलीफ है? मैं सब बच्चा परसों डिनर में, मेरा बच्चा शाम में आते रहते मगरिब में, कौन नहीं थे अगले हमारे औरत होते हैं, औरत रहने के बाद में क्या है, वो बच्चा दादी दादी कर फुका नहीं सकती, थप्पड़ के तक गर्दन बाकी थी, वो कैसा चढ़ गया अल्लाह बेहतर जानता है। वो क्या तकलीफ है अल्लाह बेहतर जानता है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, मैं भी कितने दिन से बोल रहे हैं इनका है, हमारे बात आप ध्यान नहीं ले रहे। आज करते हैं, कर को लगा देते हैं, दो दिन में टाइम मांगते हैं, 15 दिन में टाइम मांगते हैं, और लॉकडाउन खुला होते हैं कर को देते हैं, सैंक्शन भी कर को बोले, 24 बोले, और शरणप्पा यकुनी उन्होंने भी उनको भी बोले, उन्होंने फोन करके पूछने के साथ उन्होंने फोन कमीशनर करते ये हुए सर काम है आप कर दे तो मैं कर को बोल बोले। अब भी थोड़ी भी थोड़ी कौन भी आग जागता नहीं, क्या भी नहीं है, हमारी हालत हमारा ही बेहतर जाता है। उस ड्रेनेज में जब गिरा तो यहाँ कोई भी नहीं था, अगर कुछ बच्चों को कुछ हो जाता तो क्या बोलते, किसको पकड़ने का बोलो, बच्चे का अभी छोटा बच्चा है, ड्रेनेज में यहाँ तक गर्दन तक उसके पानी में डूब गया हो, फिर भी एक लकड़ी आड़ा रखे थे उसको पकड़ के ऊपर आ गया अपला पे, हो कोई निकाला नहीं उसको, आके रोने लगा। और ये 3 सालों हम देख रहे हैं सर, बहुत बार कंप्लीट भी करें, जाके एक अप्लीकेशन अर्जी वगैरह भी थी, सबको बोले तो भी सब आके 2 दिन में बनाते हैं, 4 दिन में बनाते हैं बोलते हैं, कोई एक बार आकर देखता नहीं सर। मोहल्ले वालों को बहुत तकलीफ है और बच्चों का भी बहुत खतरा है, यहाँ कब क्या होते मालूम नहीं। देखो अभी जरा मेहरबानी होती जल्द से जल्द जरा उनको पहुँचा को ये काम करा को दिए तो ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो करीब जो घर आएंगे देखो उनका खाना भी हराम है, समझ लो इतनी तकलीफ, ऐसी खराब बात आती है। अभी देखो जरा ये काम करके देने बहुत बड़ी मेहरबानी होती है, और ये काम जल्द से जल्द करना तुम्हें, क्योंकि जान का मसला है, बच्चा गिरा था परसों, बहुत तकलीफ है यहाँ मोहल्ले वाले, उसकी वजह से जरा देखो जल्द से जल्द करने की कोशिश करो। और मस्जिद है बाजू